झुमरीतिलैया शहर में पहली बार किसी मकान को जैक के माध्यम से ऊपर उठाने का काम किया जा रहा है। दरअसल शहर के गुरुद्वारा रोड खट्टिक मोहल्ला में 125 वर्ष पहले बने शिव मंदिर में अक्सर बरसात के दिनों में पानी भरने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। 125 वर्ष पहले मंदिर का निर्माण होने के बाद मंदिर के आसपास कई नए मकान का निर्माण जमीन से 2 से 3 फीट की ऊंचाई पर कराया गया। इसके बाद बरसात के दिनों में मंदिर के आसपास जल जमाव की समस्या उत्पन्न होने लगी। बारिश के बाद 2 से 3 दिनों तक मंदिर में पानी भरा रहता था, जिससे लोगों को पूजा पाठ करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या के समाधान को लेकर मंदिर से जुड़े लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जैक लिफ्टिंग के माध्यम से किसी भी मकान को ऊपर उठाने की जानकारी मिली। इसके बाद मंदिर से जुड़े लोगों ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की कंपनी MMJA से संपर्क किया। इसके बाद कंपनी की टेक्निकल टीम ने मंदिर का निरीक्षण करने के बाद मंदिर को जैक लिफ्टिंग तकनीक के माध्यम से ऊपर उठाने की बात कही। इसके बाद कंपनी के 6 लोग 18 जैक के माध्यम से मंदिर को जमीन की सतह से 4 फीट ऊपर उठाने में जुटे हुए हैं। कंपनी के डायरेक्टर ने बताया कि 7 दिनों के भीतर 120 स्क्वायर फीट के मंदिर को पूरी तरह से 4 फीट ऊपर कर दिया जाएगा। इसके बाद मंदिर के नीचे ईंट सीमेंट से फिलिंग की जाएगी। मौके पर पूजा देवी ने बताया कि 1896 में उनके दादा ससुर सागरमल शर्मा, जो कि एक मारवाड़ी ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने निजी ज़मीन पर इस मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर में शिवलिंग के अलावे शीतला माता, हनुमान जी, माता पार्वती जी, गणेश जी एवं नंदी बाबा की प्रतिमाएँ स्थापित है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जहां शिव पार्वती जी का विवाह संपन्न कराया जाता है। इसके अलावा अन्य दिनों में भी श्रद्धालु पूजा पाठ करने मंदिर पहुंचते हैं। बरसात के दिनों में मंदिर के जलमग्न होने की समस्या के समाधान के लिए उनके ससुर ने शिवलिंग को ऊंचा करने का प्रयास किया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस कार्य को शुरू किया, मंदिर एवं मंदिर के आसपास अनेक प्रकार के सांप और विषैले जीव निकलने लगे। इसके बाद कार्य को रोक दिया गया। वहीं मंदिर से जुड़े राजू कुमार यादव ने बताया कि जैक लिफ्टिंग तकनीक की जानकारी होने के बाद मंदिर को जैक लिफ्टिंग के माध्यम से जमीन की सतह से 4 फीट ऊपर किया जा रहा है। इस कार्य के लिए कंपनी के साथ 51,000 रुपये में एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें कंपनी ने जैक लिफ्टिंग के दौरान मंदिर की संरचना में किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी भरपाई कंपनी के द्वारा करने का एग्रीमेंट किया गया है। हालांकि कंपनी के निदेशक ने दावा किया है कि उनके पास प्रशिक्षित लोगों की एक पूरी टीम है, मंदिर की संरचना को कोई क्षति नहीं पहुँचेगी। उनके परिवार के द्वारा वर्षों से इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। अब तक उनके द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में 2 मंजिला से लेकर 4 मंजिला तक के मकान एवं अन्य कई मंदिरों की लिफ्टिंग और एक जगह से दूसरे जगह शिफ्टिंग का कार्य सफलतापूर्वक किया जा चुका है। झुमरीतिलैया में पहली बार लिफ्टिंग तकनीक के माध्यम से किसी मकान को ऊपर उठाने के कार्य को देखने के लिए आसपास एवं दूर दराज के कई लोग पहुँच रहे हैं। मौके पर मंदिर से जुड़े कैलाश शर्मा, चंदन यादव, प्रदीप यादव, राजेश शर्मा, उमेश सोनकर, जितेंद्र सोनकर, रमेश सोनकर समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। क्या परेशानी आ रहा था मंदिर को आज के उठाने का, क्या आखिर पीछे कारण क्या रहा? इसमें ऐसा था कि पानी जो है सो बरसात के दिन में बहुत ज्यादा घुस जाता था और भक्तों को पूजा करने में बहुत तकलीफ होता था। मतलब करीब 2 फीट, कभी 1.5 फीट, कभी मतलब 4 फीट तक भी पानी घुस चुका है इस मंदिर में बरसात के मौसम में। तो पूजा में सबसे ज़्यादा परेशानी थी और मंदिर को है सो मंदिर के जो पूरक पूजन जो है पंडित जी लोग, उनका कहना था कि मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया जा सकता है और मंदिर जब भी बनेगा तो मतलब इसी तरह है सो चाहे तो चार तरफ से बाउंड्री दिया जाए, लेकिन तोड़ने में परेशानी थी कि इसमें है सो बहुत तरह की आपत्ति आ सकती है। एक बार पंडित जी भी पहल किए थे मगर सुनते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सांप वगैरह निकल गए थे, तो जब से हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम लोग ही। किन किन लोगों का सहयोग मिल रहा है इस मंदिर को ऊपर उठवाने में? आसपास के कुछ लोग हैं और कुछ मारवाड़ी समाज के लोग हैं, उन लोग से सहयोग मिल रहा है।
क्या लग रहा है कि MMJJ कंपनी जो काम कर रही है इसके बाद मंदिर ऊंचा हो जाएगा, फिर आगे भविष्य में कोई परेशानी नहीं आएगी? इनका तो जिस तरह से एग्रीमेंट है और बात विचार है इनका, तो ये तो पूरा गारंटी दे रहे हैं कि मंदिर को बिना नुकसान किए हुए आपको ऊंचा कर दिया जाएगा। कहाँ से मालूम पड़ा था ऐसा काम का कि इस तरह से मंदिर को लिफ्टिंग? हम लोग देखे थे, हम लोग तो इनका काम रांची में चल रहा था, तो YouTube में सर्च मारे तो वहीं से हम लोग का इनका एड्रेस वगैरह निकला, इनसे बात किए तो इन्होंने आकर देखा, ब्लॉक कर देंगे काम। कितने दिन से काम लगा हुआ है और क्या लग रहा है कि अब जो परेशानी था वो दूर हो जाएगा भक्तों का? लगभग 8-10 दिन से तो काम लगा हुआ है और उम्मीद है कि अब काम 8-10 दिन के बाद क्लियर हो जाएगा। क्या लगता है कि परेशानी दूर हो जाएगा? हाँ, एकदम 4-5 फीट मंदिर ऊंचा हो जाएगा तो पानी घुसेगा ही नहीं। मंदिर क्या इतिहास है, कब बना है ये मंदिर? ये मेरे दादा ससुर से पहले से बना हुआ था, उसके बाद मेरे दादा ससुर में पूजा पाठ करते थे कि उन्होंने बनाने की कोशिश भी की तो गुजर गए, उसके बाद मेरे ससुर ने बनाने की कोशिश की तो वो भी गुजर गए। अब वो गुजर गए तो अब हम सब सोचते हैं कि मंदिर को बनवाया जाए कि उसे नाला का पानी इस मंदिर तक आते, पूजा करने के लिए हम लोगों को दिक्कत होता है, इसलिए हम सब मिलकर सोचे कि मंदिर को उठाया जाए। आखिर मंदिर को फिर से बनवाया जा सकता था लेकिन उठाने का आखिर क्या? जी नहीं, ये जो मेरे दादा ससुर बनाने की कोशिश की ना, तो जब शिवलिंग के ऊपर जो निशाना बनाए तो वहाँ से बहुत सारे सांप बिच्छू पूरा खेत खलिहान सब हो गए। ये हम नहीं, जितने मोहल्ले में सब देखे हैं सबने बोला यही कि जब तुम्हारे दादा ससुर बना रहे थे तो सांप बहुत सारे थे, सब जब मेरे दादा ससुर नाक रेंगे तो वो लोग गायब हो गए, इसलिए हम लोग ने पहले सोचा नहीं, मगर अब मेरे ससुर भी गुजर गए तो अब ये चीज हम लोग को देखना पड़ा। मंदिर काफी पुराना है, पूजा करने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और कब कब पूजा होता है? बहुत जगह से लोग आते हैं। कब कब पूजा होता है? सावन में पूरा होता है, शिवरात्रि में होता है, अंदिना भी होता है। लोगों का कितना आस्था जुड़ा हुआ है? अब मंदिर ऊपर हो जाएगा, MMJJ कंपनी का काम कर रही है, मंदिर ऊपर हो जाएगा, श्रद्धालुओं को कितना मतलब इसमें ये लगा? सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी कि शंकर भगवान की मंदिर ऊंची हो गई। किस प्रकार से पूरे मंदिर को उठाया जाएगा? सर हम पहले बुनियाद खोदते हैं, बुनियाद खोदने के बाद हम जैक फिट करते हैं, जैक फिट करने के बाद जो हमारे चैनर होते हैं लोहे गाटर वो फिट करने के बाद बिल्डिंग करके जितनी बिल्डिंग है या मंदिर हो अपने कब्जे लेने के बाद उसके बाद सर लिफ्ट करते हैं। कितना फीट मंदिर को ऊपर उठाने है? ये तो 4 फीट लिफ्ट होगा सर, लिफ्ट भी करते हैं एंड शिफ्टिंग भी करते हैं। क्या कितने मजदूर लगते हैं और कितना जैक लगता है? सर जिस हिसाब से बिल्डिंग होती है या मंदिर होता उसी हिसाब से बंदे लगते हैं। इस मंदिर में कितने जैक लग रहे हैं? इस मंदिर में जैक लग रहे हैं 18। और कितने आपके मजदूर काम कर रहे हैं? मजदूर 5-6 काम से होते हैं। और किस कंपनी के द्वारा इस काम को कराया जा रहा है, कहाँ की कंपनी? कंपनी उत्तर प्रदेश की MMJA लिफ्टिंग हाउस। कहाँ कहाँ काम कर चुका है ये? काम तो सर ऑल इंडिया हमारी सर्विस है, कहीं भी काम हो ऑल इंडिया सर्विस देते हैं। झारखंड में इससे पहले कहाँ काम किया? झारखंड में हम काके जगतपुर कॉलोनी में काम किया, अभी वहाँ रांची में 3-4-5 से काम चल रहे हैं। क्या कुछ गारंटी भी दिया जाता है कि मान ली जो भी बिल्डिंग होती है वो पुरानी होती है तो उसको कुछ गारंटी भी देती है क्या सर? पुरानी हो या नई हो अगर हम काम करते हैं तो पहले कोर्ट से एग्रीमेंट करके काम करते हैं। क्या कुछ होता है एग्रीमेंट में? एग्रीमेंट अगर कोई भी बिल्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी कंपनी जिम्मेदार है, और कॉन्टेक्ट नंबर हमारा भी है 9415179300। पर मंदिर को लिफ्ट करने में कितना दिन का समय लगेगा? जी इसमें तो तकरीबन लग जाएगा 5-6-7 दिन लग जाएंगे। क्या लगभग इससे कॉस्टिंग आती होगी, एक मिनिमम अमाउंट क्या लगता होगा? ये हमारा स्क्वायर फीट के हिसाब से रहता है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।